होली के मद्देनजर मद निषेध अभियान और भूमि विवाद से संबंधित मामलों पर डीएम ने विशेष चौकसी रखने का दिया निर्देश। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा की वैवरहित एवं बारकोडेड उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन कार्य हेतु मूल्यांकन केंद्र के आसपास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा हुआ लागू। दरभंगा मोड़ थाना के हुसैनाबाद में आपसी मारपीट में पिता को मारकर किया घायल, डीएमसीएच में भर्ती। शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति ट्रेन से झटके से गिरकर हुआ घायल, पहुंचा दरभंगा डीएमसीएच। डीएमसीएच के सफाई कर्मचारी के साथ स्थापना दिवस के दिन खाने के नाम पर प्लेट फेंकने से नाराज किया हड़ताल। दरभंगा एसएसपी ने कई पुलिस पदाधिकारियों का किया तबादला। केवटी पुलिस ने शराब लदे कार को पीछा कर पकड़ा। संस्कृत विश्वविद्यालय स्वयं सेवकों का दल पटना के लिए हुआ रवाना। बंदूक के बल पर लूटे 1,40,000 रुपए। दरभंगा नगर निगम के द्वारा वार्ड नंबर 5 के आजम नगर से हटाया गया नाले पर से अतिक्रमण। बिजली बिल के बकायेदारों पर विभाग हुआ सख्त। दरभंगा शहरी क्षेत्र में अब चलेगा लगातार विद्युत संबंध विच्छेदन अभियान। दरभंगा जिलाधिकारी कार्यालय प्रकक्ष में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में भूमि विवाद निष्पादन एवं मद्य निषेध अभियान की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने दरभंगा के सभी अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष से बारी बारी से उनके यहां लंबित भूमि विवाद से मामलों की समीक्षा की, साथ ही लंबित भूमि विवाद मामलों का निष्पादन जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के मामले से विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न होती है, इसलिए सभी अंचल एवं थाना संयुक्त रूप से भूमि विवाद पर नियंत्रण रखें और प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद की सुनवाई बैठक करें। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेश के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्र निर्गत करते हुए कहा कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 की वैवरहित एवं बारकोडेड उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 24 फरवरी 2023 से प्रारंभ होकर 5 मार्च 2023 तक अथवा आवश्यकता अनुसार विस्तृत अवधि तक दरभंगा शहरी क्षेत्र के 5 मूल्यांकन केंद्र पर किया जाएगा। दरभंगा के मोरो थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद में इद्रिस नामक व्यक्ति के दो बेटे हैं। दोनों बेटे के जमीन और मकान को लेकर के आपस में मारपीट हो गई। इसे बचाने के लिए जब पिता गया तो पिता का भी बड़े लड़के ने सिर फोड़ दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से डीएमसीएच में भर्ती होकर उनका इलाज चल रहा है। आपके दो लड़का है? हाँ। अच्छा, तो बड़ा वाला को भैया पोता है वो अलग है। अच्छा, छोटा वाला भी कुमार है। अच्छा, शादी नहीं हुआ है, वो मकान बनाए हुआ है छोटा वाला, तो वो बड़का का कहलाम है कि हम इधर से नहीं लेंगे, इधर से लेंगे बनागढ़, इधर से नहीं लेंगे हम बनागढ़ जो नया है वो लेंगे। हम तो वो कुमारा घर वो कुमारा बना हुआ है। कौन है जिनके सर पे चोट लगा है? शहर है। शहर है। हाँ। कौन मारा है? लड़का बड़का का है?
वही छोटा लड़का घर बनाया ना, तो इस घर में हम रहेगा, हम रहेंगे से अपने। समस्तीपुर में पहले एक व्यक्ति को गंभीर रूप से जीआरपी के जवान ने लाया, जो कि शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के झटके से गिर गया, जिससे वो चोटिल हो गया। उसके बाद उसे पहले शाहपुर पटोरी लाया गया, फिर उसे समस्तीपुर और समस्तीपुर के बाद दरभंगा DMCH GRP के जवान के द्वारा पहुंचाया गया। हालांकि वह अभी भी अज्ञात है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। शाहपुर पटोरी प्लेटफार्म पर कूद गया था, झटका लगा तो ऊपर फेंका गया ट्रेन से। कौन से स्टेशन के पास? शाहपुर पटोरी। कहाँ पड़ता है शाहपुर पटोरी? जो बछवाड़ा से इधर पड़ता है, हाजीपुर और बछवाड़ा के बीच बीच में साइड वाला लाइन नहीं दिया है, तो पुलिस के द्वारा लाया गया है। हाँ, तो वहाँ कोई नहीं था परिजन, इसका तो क्या कर दिया। कहाँ लाए हैं सर? वहाँ से लाए थे समस्तीपुर, वहाँ से लाए थे पटोरी जो हॉस्पिटल है वहाँ लोकल वाला, फिर वहाँ से रेफर किया तो दिया है समस्तीपुर, समस्तीपुर से दरभंगा भेज दिया। दरभंगा DMCH के सफाई कर्मचारियों ने स्थापना दिवस के मौके पर जो खाने का कार्यक्रम था, उसमें कर्मचारियों के लिए पहले कोई सूचना नहीं थी। जब 4 प्लेट बचा तो कुछ कर्मचारी खाने के लिए गए, तो वहां डॉक्टरों के द्वारा उनके साथ नोकझोंक हो गई और उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने खाने से मना किया और प्लेट भी फेंक दिया। इसके बाद आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने आज हड़ताल दरभंगा DMCH प्रचार कार्यालय के समक्ष किया। तो मैं काम कर रहा था सर, CFD जब साल में एक मरते आता है कॉलेज छात्रावास में, तो जमींदार के आदेश पर काम कराया जाता है सर। मैं सुबह से काम कर रहा था और जिस दिन नाश्ता और खाना का समय था उस दिन कर्मचारी को नहीं मना किया गया था सर, और के वहां जाके नहीं खाना है, और हम लोग 12-1 बजे तक सर, हर साल फ्री होता था, हमें जानकारी नहीं था, हर साल नाश्ता फ्री रहता था, हम लोग को जानकारी नहीं था इस साल सर। तो हम लोग 12-1 बजे के जब डॉक्टर लोग खा लिए थे तो जगह खाली था, तो 4 कर्मचारी गए खाने के लिए सर, और नाश्ता लेके जब खाने लगे प्लेट भी छीन के फेंक दिए। कल की 23 तारीख को कल 12-12:30 बजे करीब। दरभंगा SSP अवकाश कुमार ने विधि व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल को मजबूत करने के उद्देश्य से दरभंगा के कुछ थाने के प्रभारियों को इधर से उधर किया, जिसमें बिरौल थाने में सबसे अधिक संकट को देखते हुए दरभंगा SSP ने विश्वविद्यालय थाना से सत्य प्रकाश झा को बिरौल थाना प्रभारी के रूप में भेजा है। वहीं दूसरी तरफ मदन प्रसाद, जो कि अपने पदस्थापना को लेकर के इंतजार में थे, उन्हें विश्वविद्यालय थाना का प्रभार सौंपा गया है। वहीं जो पहले बिरौल थाना में 2 अवर निरीक्षक थे, उन्हें भी उसी थाना में विधि व्यवस्था के लिए एवं 1 को दरभंगा SSP के कार्यालय में जन कोषांग में दायित्व सौंपा गया है और इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए भी दरभंगा SSP ने कहा है। केवटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार की देर रात शराब लदे कार को पीछा कर डोमे धेरी चक के समीप पकड़ा। पकड़े गए कार से 300 ml के 840 बोतल नेपाली सौफी शराब बरामद कर कार को जब्त कर लिया गया। वहीं कार चालक भागने में सफल रहा। पुलिस ने कार जब्त कर कार चालक एवं कार मालिक पर मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। थाना अध्यक्ष रानी कुमारी ने इसकी पुष्टि की है।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के परिसर स्थित एनएसएस कोषांग के समक्ष बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग पटना में आयोजित एनएसएस के राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लेने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय स्वयं सेवकों का दल पटना के लिए रवाना हुआ। इस शिविर में शामिल होने वाले दल को माननीय कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा एवं डॉक्टर सुधीर कुमार झा कार्यक्रम समन्वयक एनएसएस ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया। आयोजन का पुनर्गठन हुआ है, एक हिसाब से बहुत दिन से कार्य स्थगित था और शुभारंभ जो हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, क्योंकि आज हमारे चार बच्चे अखिल भारतीय समिति सम्मेलन में जा रहे हैं चुन करके हमारे विश्वविद्यालय से। ये हमारा गौरव है और इन लोगों का चयन हुआ है, इन लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ। मब्बी ओपी क्षेत्र के कमतौल रोड में शीशो के पास गुरुवार की देर रात हथियारों से लैस अपराधियों ने एक ऑनलाइन कंपनी के ऑफिस से जमकर लूटपाट की। बंदूक के बल पर अपराधियों ने वहां के कैश काउंटर से लगभग 1,40,000 रुपये लूट लिए थे। इसके बाद अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले। कंपनी के कर्मियों ने इस घटना की जानकारी स्थानीय सरपंच को दी। इसके अलावा मौके पर मब्बी ओपी पुलिस भी पहुंची थी। वहीं इसी मामले की जांच को लेकर शुक्रवार को मब्बी ओपी पुलिस सहित कई अन्य पुलिस पदाधिकारी भी पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। फ्लिपकार्ट के ऑफिस में कल लूट की घटना हुई है, प्रकाश भाई और जो भी प्रभार में एसडीपीओ है वो घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं। टेक्निकल टीम भी वहाँ पर जाकर देखी है, कुछ एविडेंस मिले हैं, सुराग मिली है, हम लोग को उसको फॉलो अप कर रहे हैं। शीघ्र ही हमें उम्मीद है कि इस केस का भी डिटेक्शन हो जाएगा। जी सारी चीज़ें हैं उसमें और प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, उसमें अनुसंधान किया जा रहा है, जल्द से जल्द आवेदन हम लोग। दरभंगा नगर निगम के सफाई जोन प्रभारी के द्वारा नाले पर से अतिक्रमण हटाया गया। यह अतिक्रमण वार्ड नंबर 5 के आजम नगर मोहल्ले से हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम में प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, जो लोगों को नाले पर से अतिक्रमण हटाने के लिए कह रहे थे। बता दें कि इन दिनों नगर निगम प्रशासन द्वारा हर तरफ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, खासकर नाले को कैप्चर कर उस पर पक्कीकरण कर दिया जाता है। इसके बाद उस पर अपनी दुकानें एवं अन्य सामग्रियों को लगाकर लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, जिस वजह से साफ सफाई में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को लेकर नगर निगम प्रशासन के द्वारा शहर के कई जगहों से नाले पर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी दौरान शुक्रवार को भी वार्ड नंबर 5 के आजम नगर में यह अतिक्रमण हटाया गया। विद्युत अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता विकास कुमार बकायेदारों पर लगातार सख्ती बनाए हुए हैं, जिसका नतीजा है कि फरवरी महीने में कुल 1422 बकायेदारों का विद्युत संबंध विच्छेदन किया जा चुका है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को नाका नंबर 5 के पास स्थित विद्युत कार्यालय में विद्युत अधीक्षण अभियंता ने सीताराम पासवान ने दी। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही दरभंगा शहरी के हरेक बकाया रखने वाले विद्युत संबंध विच्छेदन तब तक किया जाएगा जब तक वे अपना विपत्र हरेक महीना जमा करना शुरू नहीं कर देते। उनके इस शक्ति का यह नतीजा है कि सहायक विद्युत अभियंता लहरिया सराय सुधांशु कुमार एवं सहायक विद्युत अभियंता दरभंगा शहरी प्रीति कुमारी स्वयं कनीय अभियंताओं के साथ एवं विभागीय लाइनमैन के साथ उपस्थित रहकर विद्युत संबंध विच्छेदन करवा रही है और किए जा रहे हैं।